यहाँ पे दावकी में मैं सोच रहा था कि मैं गेट तक होके आऊँ, लेकिन ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ट्रकों का पूरा जो है भीड़ हो रहा है। ये लोग जो है पत्थर बेचने उचने के लिए उस पार में जा रहे हैं, और थोड़ा सा खाली हो जाए निकलते हैं गेट तक, थोड़ा एक दो वीडियो वीडियो बना करके आता हूँ ज़रा। और क्योंकि यहाँ इतनी दूर आया हूँ तो एक फ़ोटो नहीं खींचा तो बेकार है, फिर इतनी दूर से आने का मतलब नहीं है फिर कुछ। तो यहाँ तक हमारी बाइक आ सकती है, टूरिस्ट व्हीकल जो है बियॉन्ड दिस पॉइंट बाई ऑर्डर, BSF के ऑर्डर से मतलब यहाँ तक बाइक ला सकते हैं। और ये पत्थर सारे बांग्लादेश में जा करके बिक जाएंगे भाई, ये सारा जो है रसीद कट रहा है और ये कुछ समय के लिए ही स्पेशली जा रहा है और उसके बाद ये बिक जाना है वहाँ जा करके, ये सारा बांग्लादेश में जा रहा है। जाना भी बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे ना। अरे भाई रुक जाओ, बॉर्डर बंद होने वाला है इसलिए आपाधापी हो रही है ना। 6 बजे ये है भारत बांग्लादेश मैत्री द्वार भाई। यहाँ तक अलाउड है भाई, ये हमारा इंडिया बांग्लादेश मैत्री द्वार है और यहाँ से जो है ये ट्रक सारे पत्थर जो है खरीद करके बांग्लादेश में जा रहे हैं बिकने के लिए। ट्रकों की पूरी लाइन लगी है, अपनी कार या बाइक से आना बड़ा मुश्किल होता है। फिलहाल मैंने उधर खड़ी कर दिया, 6 बजे अभी बॉर्डर बंद हो जाएगा, जो ट्रक चले गए, जो उधर रह गए उधर रह गया। यहाँ से एंटर कर सकते हैं, अगर मेरा वीज़ा होता तो मैं भी यहाँ से बांग्लादेश जा सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उस पार से इस पार आते जाते रहते हैं। तो ट्रकों की वजह से थोड़ी मुसीबत है, रास्ता ख़राब है, पता नहीं क्यों ख़राब है, हो सकता है जानबूझ के ख़राब रखते हो कि लोग धीरे धीरे चले करते हैं। तो ये अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है मेरे लिए यहाँ पे आने का और बहुत ही अच्छा लगा। कस्टम के ऑफिस पीछे रह गई और एंटी इनफिल्ट्रेशन डायरेक्टरेट का जो है डाउकी LCS करके जो ऑफिस भी यहीं पे है, BSF की भी ऑफिस यहीं पे है, सारा सब कुछ चेक हो करके सब कुछ यहीं से होता है। मतलब ये कुछ सिस्टम है यहाँ पे और बड़ा तगड़ा सिस्टम भाई, बॉर्डर पे सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी रहती है। हालांकि मैं अंदर घुस गया था, पकड़े जाने से बच गया, सीधे चुपचाप चला। ये पत्थर है ना, ये पत्थर अपना इंडिया है, यहाँ तक जा सकते हैं इस पत्थर तक और इससे आगे तक नहीं। उधर देखिए लिखा वेलकम टू बांग्लादेश, यहाँ तक जो है अपना जो है बॉर्डर है लगता है। तो ये है पूरा बॉर्डर का एरिया और सब ओपन ही है यहाँ पे ना। तो भाई बॉर्डर का गेट देख लिया और पार करना मतलब आसान ही है, बहुत टिपिकल नहीं है। तो चलते हैं अब यहाँ से। डर ये भी है साला, वो स्कूटी लेके भाग गया तो बॉर्डर में खोजते पता चला बांग्लादेश चला गया तो खोजे ना मिलेगी। तो पता चला कि झूठे ही, ये स्कूटी भी आती होगी 90,000 की, 90,000 का फटका लग गया, चोरी हो गया। तो अब चलते हैं सीधे, यहाँ तो रुकने का कोई मतलब नहीं है, ट्रकों की इतनी आवाज़ है, धुआँ है भाई, इतने सड़े सड़े ट्रक चल रहे हैं ना, पूछो मत। पता नहीं क्या गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन दे दो क्या, फिर काला हो जाए, मुँह ही काला हो जाए। तो अभी हम हैं दावकी में और दावकी से है शिलांग 82 किलोमीटर। तो शिलांग तो नहीं जाना है लेकिन फिलहाल कम से कम 40 किलोमीटर तो जा सकते हैं, चलते हैं 30-40 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे, फिर वहाँ पे कहीं लेंगे रूम और वहीं पे फिर सो जाएंगे। ऐसा कुछ नज़ारा है और पीछे मार्केट रही है दावकी मार्केट। Thank you.
जो अभी पुल आपने देखा पीछे जो पुल बना हुआ है वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो ये एक साइट सीन का प्लेस बना हुआ है। यहाँ से पुल वगैरह दिख रहा है और यहाँ तक यहाँ से फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। हालांकि जो बोट में बैठे होंगे उनको कौन रोकने वाला है, बोट में बैठ के तो अच्छा से वीडियो फ़ोटो बना रहे होंगे, पुल भी आ रहा होगा अच्छा सा। तो इधर बांग्लादेश नदी में बांग्लादेश है भाई, और इधर इंडिया है, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। और अब हो रही है रात, अब यहाँ से निकलते हैं पहाड़ों में थोड़ा चढ़ करके, कम से कम 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब जा करके कहीं पे हमें एक अच्छा सा होटल लेना है या होम स्टे लेना है, उसके बाद फिर घर की ओर निकलना है। भाई एक बार रात के 7 बज गए थे और जंगल में मैं खड़ा था, दो लड़कों को मैंने हाथ दिया, असम के थे, बोले दादा क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, आप यहाँ ऐसे अकेले में रुके हुए जंगल के बीच में। मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर रुकने का कोई व्यवस्था मिलेगा क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई यहाँ रुको मत, यहाँ मतलब ठीक नहीं है रुकना। अब क्या पता असम के हिसाब से बोल रहे हो, पर मेघालय सेफ है, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो बोले मेरे पीछे पीछे आओ मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा। वो बाइक से बहुत तेज़ थे चले गए वो, फिर मैं आराम से आया, पूछते पूछते फिर मुझे ये वाला जो है रूम मिल गया। इधर देखो सोफ़ा भी लगा हुआ है, एक 4x6 का बेड इधर लगा हुआ है, 4x6 और 3x6 का इधर बेड लगा, मतलब तीन जने सो सकते हैं। इधर कपड़ा वपड़ा फैलाने का है, सोफ़ा टेबल, भाई बाथरूम तो बहुत बड़ा है, एकदम पूरा रूम जैसा है, देख रहे हैं, और इधर पूरा बड़ा सा रूम है, गीजर उजर सब लगा हुआ है, देख रहे हैं ये। तो आज 1000 में बात बन गई, काम बन गया भाई। चलो अब रेस्ट करते हैं, थकान बहुत ज़्यादा है, मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।